पित्रोदा का बयान भारत में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। अमित शाह ने महाराष्ट्र केरल में कैंपेन के दौरान इस बयान पर अपना रिएक्शन दिया। कहा, सैम पित्रोदा कांग्रेस की नीतियों को तैयार करते हैं, उनके बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी पर उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले, इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है।